मुझको मुझको आंखों से दर गुजर करके क्या कहने, मुझको मुझको आंखों से दर गुजर करके देखा गैरों को फिर नजर भर के, वाह, मुझको मुझको आंखों से दर गुजर करके देखा गैरों को फिर नजर भर के उसने ठुकरा दिया मोहब्बत को अपना चेहरा इधर उधर करके। नहीं मोहतरमा, ये इल्जाम आपका भेजा है कि उसने गैरों को देखा। हालात तो ये है फतेहपुर वालों के, सीने में तूफान दबाना पड़ता है, सीने में तूफान दबाना पड़ता है, आंखों को अनजान बनाना पड़ता है। उनका क्या है, निकल पड़े हैं बेपर्दा, हमको तो ईमान बचाना पड़ता है। दोबारा पढ़ दूं इसे। सीने में तूफान दबाना पड़ता है, आंखों को अनजान बनाना पड़ता है। उनका क्या है, निकल पड़े हैं बेपर्दा, हमको तो ईमान बचाना पड़ता है। पढ़िए मोहतरमा। चार मिसरे और हाजिर करती हूँ, सुनेगा के इरशाद। दिल को नौशाद करके छोड़ेगा, वाह वाह, दिल को नौशाद करके छोड़ेगा, वो मुझे याद करके छोड़ेगा, दिल को नौशाद करके छोड़ेगा, वो मुझे याद करके छोड़ेगा। हाय मेरी गली का ये लड़का, हाय मेरी गली का ये लड़का, मुझको बर्बाद करके छोड़ेगा। बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये बहुत अच्छा है जी। मैं चार मिसरे और हाजिर करती हूँ, उम्मीद है इन्हीं मोहब्बतों के साथ सुनेंगे आप। इरशाद, मैं हाजिर करती हूँ, सुनिएगा के मेरे मुनसिफ मेरे रहबर तू अब तो फैसला कर दे, वाह, खिताबे बावफा दे दे या साबित बेवफा कर दे। बहुत अच्छा है, वाह। मेरे मुनसिफ मेरे रहबर तू अब तो फैसला कर दे, खिताबे बावफा दे दे या साबित बेवफा कर दे, कि दिल में कैद यूं करके सितम मुझ पे वो ढाए हैं, सजागर हो चुकी पूरी तो अब मुझको रिहा कर दे। बहुत अच्छा है, वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं देखिए मोहतरमा, ये फतेहपुर वाले बड़ी मोहब्बतों करने वाले लोग हैं, ये ना तो रिहाई देते हैं और ना ही बर्बाद करते हैं। आपने इल्जाम इन पर लगाया कि बर्बाद करके छोड़ेगा, ये छोड़ना तो जानते नहीं, बल्कि इनके हालात ऐसे हैं कि तुम्हें खोकर भी हम जिंदा रहेंगे, तुम्हें खोकर भी हम जिंदा रहेंगे, मगर सांसों से शर्मिंदा रहेंगे, और जमाने भर में आशिक हैं तुम्हारे, मगर हम ही नुमाइंदा रहेंगे। जमाने भर में आशिक हैं तुम्हारे, मगर हम ही नुमाइंदा रहेंगे। दोस्तों ये जो आपसे गुफ्तगू होती है, इसलिए कि आपकी जो समाते हैं वो और शगुफ्ता हो जाए। तो आइए दोस्तों, यहाँ से जो माहौल अब तक नहीं था, उस माहौल और खूबसूरत दीजिए, और जोरदार तालियों से पूरा मजमा यकजा होकर तालियों से इस्तकबाल कीजिए। इजाजत भी दीजिए तो यहाँ से किसी कोई गजल पेश कर सके। जी बेहद शुक्रिया। मैं चाहती हूँ कुछ गजल के अशआर आपके बीच रखूं। जी सुनिएगा के तेरा चेहरा, वाह, तेरा चेहरा मेरी आंखों से जो टकराता है, क्या कहने, तेरा चेहरा मेरी आंखों से जो टकराता है, एक नजर में ही मेरे दिल में उतर जाता है, एक नजर में ही मेरे दिल में उतर जाता है, तू मुझे छोड़ ना दे राह में चलते चलते, तू मुझे छोड़ ना दे राह में चलते चलते, बस यही सोच के ये मन मेरा घबराता है, बस यही सोच के ये मन मेरा घबराता है। और दोस्तों सभी लोग अपने अपने महबूब की तारीफ करते हैं अपने अपने अंदाज में। मैं ये दो मिसरे हाजिर करती हूँ, सुनेगा इरशाद। जी तेरा चेहरा मेरी आंखों से जो टकराता है, वाह, एक नजर में ही मेरे दिल
उतर जाता है। वाह, तू जो तारीफ मेरे हुस्न की करता है सनम, तू जो तारीफ मेरे हुस्न की करता है सनम, चांद भी सुन के तेरी बात को शर्माता है। बहुत अच्छा है। वाह, चांद भी सुन के तेरी बात को शर्माता है। और देखिए, मोहब्बत एक ऐसी चीज है जिसको हर उम्र के लोग करते हैं। कुछ यहाँ पे नौजवान मौजूद हैं, कुछ भूतपूर्व नौजवान मौजूद हैं, जिसने किया होगा वो भी समझेगा, सुनेगा। फतेहपुर वाले भूतपूर्व नहीं होते, ये हमेशा जवान रहते हैं। आप इस मुगालते मत रहना, कहीं ऐसा ना हो कि बुजुर्ग वो काम कर दे जिसने आपकी तवक्को भी ना की हो। जी मैं हाजिर करती हूँ। देखिए जी, कौन क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता वो अलग चीज है, लेकिन जरा सामने वाले को भी देख लेना चाहिए कि मेरा नाम सुल्तान यूं ही नहीं रखा गया। जी, ख्याल ये भी रखिए कि उसके आगे जहां भी लगा है। जी मैं हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। कि तेरी तस्वीर को जलाने में, तेरी तस्वीर को जलाने में, तेरी तस्वीर को जलाने में, अपने दिल से तुझे मिटाने में। वाह, तेरी तस्वीर को जलाने में, अपने दिल से तुझे मिटाने में, जितनी शिद्दत से तुझको चाहा था उतनी मेहनत लगी भुलाने में। बहुत अच्छा है। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जितनी शिद्दत से, बहुत बहुत शुक्रिया, जितनी शिद्दत से तुझको चाहा था उतनी मेहनत लगी भुलाने में। और मैं चाहती हूँ एक गजल के कुछ शेर आपके बीच रखूं। देखिए, आप लोग जानते होंगे, जब कोई बेवफा शख्स बार बार अपनी मोहब्बत की दलील दे, आपका तो नहीं पता आप क्या कहेंगे, लेकिन जो मुझसे कहेगा तो मेरा क्या जवाब होगा, सुनिएगा। कि तेरी जुबां पे लफ्ज़े प्यार क्या कहें, तौबा तौबा इस्तग़फ़ार। वाह वाह, तेरी जुबां पे लफ्ज़े प्यार, तौबा तौबा इस्तग़फ़ार, मेरे इश्क में तू बीमार, तौबा तौबा इस्तग़फ़ार, मेरे इश्क में तू बीमार, तौबा तौबा इस्तग़फ़ार। बहुत अच्छा। और ये शेर देखें, सुन कर के ये तेरे नाम को सारा जमाना कहता है, सुन कर के ये तेरे नाम को सारा जमाना कहता है, धोखेबाज तेरा दिलदार, तौबा तौबा इस्तग़फ़ार। बहुत अच्छा। धोखेबाज तेरा दिलदार, तौबा। और हम लोग जब सुबह में उठते हैं हमारी आँख खुलती है, रोज न्यूज चैनल पे ऐसी ऐसी खबरें हमें मिलती हैं जिनको देख के दिल कांप जाता है, उसको नजर में रखते हुए ये शेर देखें, दिल ये लर्ज सा जाता नहीं क्या कहने, नहीं चचा ने जो नजराना पेश किया है, नहीं ये वाकई इस बात की दलील है दोस्तों कि चचा ने जब ये सुने होंगे सुल्तान साहिबा के शेर, तो अपनी माजी की काली रातों में झांक कर सोचते होंगे कि उनके होठों पे मोहब्बत का फसाना आया, उनके होठों पे मोहब्बत का फसाना आया, बुझ गए हम तो चरागों का जमाना आया। जी मैं तहत में एक गजल हाजिर करती हूँ, फिर ज़हमत है तमाम। मैं हाजिर करती हूँ, सुनेगा। है जो तुम्हारा यार वो दिलदार मुबारक, है जो तुम्हारा यार वो दिलदार मुबारक, तुम जाओ मेरी जान तुम्हें प्यार मुबारक। है जो तुम्हारा यार वो दिलदार मुबारक, तुम जाओ मेरी जान तुम्हें प्यार मुबारक, और शबनम मिली तुम्हें यह है तकदीर तुम्हारी। वाह, शबनम मिली तुम्हें यह है तकदीर तुम्हारी, हमको हमारे हिस्से के अंगार मुबारक। क्या कहने, हमको हमारे हिस्से के अंगार मुबारक। और ये शेर देखें कि हम शायर लोग हैं, कलम से ही काम चलाते हैं, सुनिएगा। कि हम सारी जंगे जीतेंगे अपने कलम से ही, हम सारी जंगे जीतेंगे अपने कलम से ही,
तुमको तुम्हारे हाथ में तलवार मुबारक। बहुत अच्छा है वाह। तुमको तुम्हारे हाथ में तलवार मुबारक। और ये शेर देखें कि कुछ ख्वाहिशों के वास्ते इतना भी ना झुको। क्या कहें? कुछ ख्वाहिशों के वास्ते इतना भी ना झुको। कदमों पे आके गिर पड़े दस्तार मुबारक। अच्छा है। कदमों पे आके गिर पड़े दस्तार मुबारक। और कुछ मजदूर लोग हैं, जब सुबह में निकलते हैं शाम में वापस आते हैं तब उनके घर का चूल्हा जलता है, उसको नजर में रखते हुए ये शेर के हर रोज वो निकलते हैं रोटी के वास्ते। हर रोज वो निकलते हैं रोटी के वास्ते। ऐ शहर अमीरी तुझे इतवार मुबारक।